बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीएच ग्रुप के ऑफिस मेन ऑफिस में हूँ डी आई खान के, और मेरे यहाँ पे आके मुझे बड़ी खुशी हुई। ऑफिस में आया तो मुझे जो फीलिंग आ रही है तो वो ये कि मैं समझता हूँ कि जो इस पीएच ग्रुप की डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, और जिस जिस जगह पे भी काम कर रहे हैं, मैंने तफसीली उनकी प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग ली है मुख्तलिफ एरियाज के पेशावर अब खान और हरी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशाइन बात है कि इस तरह के प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बेहतर तरीके से डेवलपमेंट रेजिडेंशियल एरिया और कमर्शल एरिया और जिस तरीके से उसको उस हर हवाले से उसका जो इहाता किया गया है, और चाहे इंसान की इंसानी जरूरियात की और जो जो जरूरियात आज के दौर में हो सकती है उस हवाले से, और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई कि तालीमी लिहाज से अगर उसमें इदारे बनते हैं तो जाहिर है इंसान की बुनियादी ज़रूरत होती है, वो एजुकेशन अगर वहाँ पे इंसानियत रहती हो तो उसके साथ चीज़ें ज़रूरी है। तो अगर वो ज़रूरियात भी पूरी होती है तो मैं इसको एक इनकलाबी वो समझता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में ये काम होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसे लोग अगर आए तो हुकूमतों को उनको चाहिए कि उसको डेवलप करें। ऑलरेडी हम मुल्क में अनप्लेड सिटीज़ इतने दे चुके हैं और वो तमाम ज़रूरियात से आ रही है, और जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो फिर ज़ाहिर है कि पार्लियामेंटेरियन के ऊपर प्रेशर उसका आता है और वही फिर गवर्नमेंट के सोर्सेस को यूज़ करते हैं, उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं और ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर प्राइवेट सेक्टर इस पर तवज्जो दे और तमाम ज़रूरियात को पूरा करे तो ये बोझ कम होगा गवर्नमेंट का भी और मुल्क का भी, और एक बेहतर ताउन होगा गवर्नमेंट साइड में और आम लोगों के लिए बेहतर ज़िंदगी का माहौल बन जाए। ये सारी बात जो मैंने की है तो बुनियादी मकसद यही है कि लोगों की तवज्जो इस तरफ आए और मज़ीद ये प्रमोट हो और मज़ीद उनके काम यहाँ पे मज़ीद और आए ताकि आम लोगों को उसका फ़ायदा हो सके, और आम लोगों को चाहिए कि इसकी तरफ तवज्जो दें और इनसे जो इस वक्त इनकी वो चल रही प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और जो मैंने उनसे ये सारी ब्रीफिंग दी है मुझे उम्मीद है कि एज इट इज़ इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट चलेगी, तो यही फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के